गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। गेज कटर से एटीएम मशीन काट कर लूट का प्रयास करने में असफल होकर भागने वाले आरोपी बेटमा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गेज कटर से एटीएम मशीन काटते वक्त मशीन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 8 लाख रुपये जलकर खाक हो गए थे। पुलिस थाना बैठमा द्वारा एटीएम कटिंग लाखों रुपए चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर बीते 13-14 फरवरी की रात्रि में जीवन ज्योति कॉलोनी में एसबीआई एटीएम की घटना का खुलासा किया, जिसकी पूछताछ में गिरोह द्वारा देश के अन्य राज्यों में भी एटीएम कटिंग कर वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 13 और 14 की रात को एक एटीएम में चोरी करने की कोशिश की गई और उसके दौरान गेज कटर से उन्होंने अज्ञात बदमाशों ने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें आग लगी। उसमें काफ़ी धनराशि जल गई थी। तत्काल पुलिस बल पहुंच के आग को बुझाया था और उसमें करीब करीब 18 लाख की धनराशि जलने से बचाई थी। जैसे ही ये घटना हुई थी, क्योंकि सारी पुलिस तंत्र हम लोगों ने सक्रिय कर दिया था, जांच के दौरान एक वाहन को हमने आइडेंटिफाई किया, वो MP09CR5514, ये स्विफ्ट डिजायर थी। इसके आधार पे हम लोग जो है आगे बढ़े तो पता चला कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर भी जो है आईडी लगा रखा है, ओरिजिनल नंबर कुछ और है। और हमने यहाँ तक जो पूरा CCTV ट्रैक को यहाँ से लेके सीधा हम लोग राजस्थान तक उसको हमने वेरीफाई किया। थोड़ी चिंतित होने के बाद हम लोग तलाश कर रहे थे तो 3 आरोपी हम लोगों को मिले हैं। एक साद मोहम्मद पिता अरुण मोहम्मद नेवाती है, ये जाति का पलपल का रहने वाला राय जो है हरियाणा का। दूसरा है मोहम्मद राहुल पिता नूर, ये भी पलपल का रहने वाला है। और तीसरा मुस्तिक पिता सैफुद्दीन, ये भी पलपल का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को अभी हमने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड ले रहे हैं और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने और ऐसी कितनी घटनाएं की है, कहां कहां कौन कौन सी घटना में शामिल रहे हैं, वो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और यदि और कोई नई जानकारी होगी तो आपका हो सकता है। सर, क्या कोई इन्होंने योजना बनाना बताया है, किसी प्रकार से योजना बनाई थी, जिस तरह से? देखिए, ये जो पलपल है, पूरा जो जिला है वहाँ पर मेवाती लोग ही हैं, वो लगभग ऐसी घटनाएँ करते ही रहते हैं। बहुत सारे वहाँ के गांव हैं जो वहाँ के जो निवासी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं। थैंक यू सर। इंदौर की घटना में और इसमें दोनों में कोई समानता? अब उस संबंध में हम लोग पूछताछ करते हैं। इंदौर भी घटना हुई है और आसपास जिलों में भी और ATMों में जो है चोरियाँ हुई है, उस संबंध में भी हम इन लोगों से पूछताछ करते हैं। सर, ये शातिर अपराधी है या कुछ रिकॉर्ड वगैरह इनको वहाँ से रिकॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं? संभवतः इनके खिलाफ और भी आपराधिक प्रकरण हैं, लेकिन अभी हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ नगद वगैरह भी कुछ प्राप्त हुआ है इनसे या कुछ? अभी तो नहीं हुआ है नगद को। सर, बैंक मैनेजर के द्वारा इसकी डिटेल आई, कितने रुपये की ट्रांसफर है अभी? वो हाँ, एक्चुअल में पूरा सर्वर वगैरह रखता हूँ तो अभी उसकी हमें जानकारी प्राप्त। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।